हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूजीसी जेआरएफ एसआरएफ से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। आप देख सकते हैं फेलोशिप राशि में इजाफा, रिसर्च एसोसिएट की राशि में 13,000 की हुई बढ़ोतरी, जेआरएफ का स्टाइपेंड अब 31 से 37,000 रुपये, एसआरएफ का 35 से 45,000 तक पहुँचा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, नए अभ्यर्थी हैं, जिनको पता नहीं है, उनको मैं बता देता हूँ कि जो यूजीसी है, एनटीए यूजीसी जो है, उसके द्वारा और जेआरएफ एसआरएफ में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है, और उस एग्ज़ाम को फाइट करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनको जेआरएफ और एसआरएफ के अंतर्गत ये स्कॉलरशिप फेलोशिप जो है प्रदान की जाती है, ताकि वो पीएचडी कर सके। तो जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी होते हैं उनको पीएचडी करने के लिए और एक राशि जो है वो प्रदान की जाती है, फेलोशिप के रूप में, स्कॉलरशिप के रूप में राशि प्रदान की जाती है। तो अब सरकार के द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इस राशि के अंदर वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। तो आप पूरी न्यूज़ देखिए क्या है, ये आप देख सकते हैं। वित्त मंत्रालय के वे विभाग ने एक मेमोरेंडम जारी करते हुए जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप व रिसर्च एसोसिएट के विभिन्न लेवल के फेलोशिप स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की है। इसके तहत अब स्कॉलर्स को जेआरएफ में चयन होने पर 37,000, एसआरएफ में चयनित होने पर 42,000 रुपये बतौर स्टाइपेंड मिलेगा। बता दें कि यह प्रपोजल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से दिया गया था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन इस बढ़ोतरी को लेकर स्कॉलर्स में संतुष्टि नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले 4 साल में फेलोशिप की राशि महज 19 से 24% ही बढ़ाई गई है। रिसर्च स्कॉलर्स का मानना है कि ये राशि तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। राशि पर ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा 13,000 रुपये के साथ रिसर्च एसोसिएट के लेवल 3 की फेलोशिप राशि बढ़ाई गई है। साल 2019 के मुकाबले जेआरएफ स्टाइपेंड 19% और एसआरएफ स्टाइपेंड महज 20% बढ़ाया गया है। तो यद्यपि राशि के अंदर 2019 की तुलना में 2023 में बहुत अधिक बढ़ोतरी की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभ्यर्थी हैं, स्कॉलर्स हैं, वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि ये राशि जो है बहुत कम है, ठीक है। तो जेआरएफ और एसआरएफ उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी होते हैं वो पीएचडी करते हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा ये उनको आर्थिक सहायता स्कॉलरशिप के रूप में, फेलोशिप के रूप में प्रदान की जाती है। ये आप देख सकते हैं कितनी कितनी जो है उनको राशि प्रदान की जाती है, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। ये देखिए कितनी बढ़ोतरी की गई है, ये कैटेगरी है, ठीक है। जेआरएफ एसआरएफ रिसर्च एसोसिएट फर्स्ट, रिसर्च एसोसिएट सेकंड, रिसर्च एसोसिएट थर्ड। तो जो जेआरएफ है, पहले इनको 2019 के अंदर 31,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती थी जेआरएफ के अंतर्गत, अब 2023 से इसमें बढ़ोतरी करके अब इनको 37,000 रुपये जो है राशि प्रदान की जाएगी। एसआरएफ जो इनको फेलोशिप जो है पहले 35,000 मिलती थी, अब इनको 42,000 दी जाएगी। रिसर्च एसोसिएट फर्स्ट जो है इनको पहले 47,000 रुपये फेलोशिप मिलती थी, अब इनको 58,000 रुपये फेलोशिप दी जाएगी। रिसर्च एसोसिएट सेकेंड इनको पहले 49,000 फेलोशिप मिलती थी, अब इनको 61,000 फेलोशिप दी जाएगी। और रिसर्च एसोसिएट थर्ड जो है इनको पहले 54,000 फेलोशिप मिलती थी, अब इनको 67,000 फेलोशिप दी जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें बढ़ोतरी की गई है। अब आप देख सकते हैं फेलोशिप की राशि हर साल बढ़ानी चाहिए। ये देखिए आईआईटी हैदराबाद की सीनियर रिसर्च फेलो शेख रुखसाना बताती हैं कि बढ़ोतरी 4 साल बाद हुई है, इसलिए यह राशि कम है। 2019 में भी ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, राशि हर साल बढ़ानी चाहिए। अब इसमें यह आपके सामने ये पीएमआरएफ फेलोशिप की राशि से तुलना करना गलत। जो स्कॉलर्स हैं वो इस जेआरएफ एसआरएफ के अंदर जो ये फेलोशिप दी जाती है, इसकी तुलना पीएमआरएफ इस फेलोशिप की राशि से कर रहे हैं, क्योंकि पीएमआरएफ फेलोशिप राशि जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊँगा कि कितनी राशि जो है उसके अंदर दी जाती है। तो इससे रिलेटेड ये देखिए, आईआईटी हैदराबाद केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि ज़्यादातर स्कॉलर्स
इसकी PMRF प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप से तुलना कर रहे हैं जो गलत है। इसमें 87,000 रुपये प्रतिमाह की राशि मिलती है और इसकी प्रक्रिया भी अलग है। PhD एक जॉब नहीं है, इसमें सरकार स्कॉलर्स को रिसर्च के लिए राशि देती है, वहीं स्कॉलर्स को बाकी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो ये JRF और SRF में जो बढ़ोतरी की गई है उससे जुड़ी अपडेट है। और ये आपके सामने फेलोशिप है, ये कौन सी है, ये PRMF, ठीक है, PMRF के अंतर्गत जो आपको फेलोशिप प्रदान की जाती है ना, उसको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं कि PMRF के अंतर्गत क्या कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है। ये देखिए, फर्स्ट ईयर के अंदर इसमें 17,000 रुपये, फिर दूसरे साल 17,000 रुपये, तीसरे साल 75,000 रुपये, चौथे साल 80,000 रुपये और पाँचवें साल 5,000 रुपये, 80,000 रुपये जो प्रदान की जाती है, ठीक है। ये PMRF के अंतर्गत जो फेलोशिप दी जाती है वो राशि है। इसमें भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी होते हैं वो जो है इसके लिए हकदार होते हैं। और ये आपके सामने इससे जुड़ी अपडेट है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो PhD करना चाहते हैं उन अभ्यर्थियों से रिलेटेड है। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि दोस्तों, भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा जो नया सेशन 2023-24 प्रारंभ होने जा रहा है, तो ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसमें PG में प्रवेश के लिए तथा ICAR में JRF और SRF यानी PhD में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA इसके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, पब्लिक नोटिस 21/6/2023 को। ये किससे रिलेटेड है देख सकते हैं आप, अनाउंसमेंट ऑफ डेट फॉर ICAR एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 AIEE APG एंड AICE JRF एंड SRF PhD। तो दोस्तों, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसके द्वारा एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है, उससे रिलेटेड अपडेट है। मैं आपको विस्तार के साथ में इसके बारे में बताता हूँ, ये पूरी आप पढ़ सकते हैं इसको। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हैज बिन एंट्रेस्टेड विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द ICAR एंट्रेंस एग्जामिनेशन AIEE PG एंड AIC JRF SRF PhD 2023 फॉर एडमिशन टू द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। मतलब क्या हुआ इसका कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके द्वारा सेशन 2023-24 का जो एकेडमिक सेशन है इसमें PG में प्रवेश के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन PG में प्रवेश के लिए प्लस डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश के लिए और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम इसके अंदर JRF का मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप और SRF का मतलब सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। तो JRF और SRF यानी PhD में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो एग्जाम है, द NTA विल बी कंडक्टिंग द अबोव मेंशनड एग्जाम इन अप्रोक्स 89 सिटीज अक्रॉस द कंट्री, यानी ये एग्जाम जो है भारत के 89 शहरों में आयोजित की जा रही है, ठीक है। द डेट ऑफ ICAR एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 एग्जामिनेशन हैज बिन फाइनलाइज्ड, डिटेल ऑफ द सेम इज गिवन बिलो। तो एग्जाम कब होगी इसकी ये पूरी डिटेल आपके सामने है, ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा ये कब होगा, तो आप देख सकते हैं ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्र PG में प्रवेश के लिए, ये PG में प्रवेश के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगी उसकी डेट है 9/7/2023। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जो पोस्टल डिग्री रिसर्च है JRF SRF PhD उसमें जो प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगी वो किस तारीख को होगी, 9 जुलाई 2023, ठीक है। द डेट ऑफ एडवांस सिटी
इंटीमेशन एंड रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड विल बी अनाउंस एंड लेटर ऑन, यानी आपका जो एग्जाम सेंटर है वो किस शहर के अंदर आया है, आपका एडमिट कार्ड जो है वो कब जारी किया जाएगा, इसकी सूचना आपको बाद में प्रदान की जाएगी एनटीए द्वारा। इसकी सूचना सिटी की सूचना, सिटी किस सिटी के अंदर आपका एग्जाम सेंटर आया प्लस एडमिट कार्ड जो है वो कब जारी किए जाएंगे, इसकी सूचना आपको बाद में प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो आप इसके लिए ये जो वेबसाइट है इसका अवलोकन करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो भी इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सेशन 2023-24 में ICAR में PG में प्रवेश के लिए और ICAR में JRF, SRF, PhD में प्रवेश के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है उससे रिलेटेड अपडेट। ठीक है, सिटी इंटीमेशन यानी सिटी की सूचना प्लस एडमिट कार्ड की सूचना आपके पास में समय पे आए, इसके लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।